ये एक हम बना रहे हैं आलू की तायरी, जरूर होता है। बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस कटिंग करेंगे, ठीक है। जब तक ऑयल भी जो है हमारा वो गर्म हो रहा है, सही है। प्याज हमारा इसको करेंगे अच्छी तरह से ब्राउन। हरी मिर्चें डालेंगे इसमें, जरा हरी मिर्चें जरा ज्यादा डलती है, तो ये मेरे पास है हरी मिर्च। चलिए यहाँ पे रखते हैं, छोटी नाइफ लेते हैं और इसको हम इस तरह से, आलू आजकल आए हुए नए वाले आलू, ठीक है। प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ तो मैंने आलू डाल दिए इसलिए कि वरना वो जल जाता, तो यहाँ पर मैं अब डालूंगी इसमें गरम मसाला, मिक्स पूरा साबुत गरम मसाला है। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे इसके साथ, आलू के साथ, ताकि आलू भी थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो एक बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। गलने में इसको टाइम ज़रूर लगेगा, ज़ाहिर है आलू है वो, और मैंने काटे भी थोड़े से बड़े बड़े हैं, लेकिन जब तक ये बहुत अच्छे से गलेंगे नहीं मैं भी इसके अंदर चावल नहीं डालूंगी, ठीक है ना, इसलिए कि वरना फिर क्या होता है कि फिर वो जो आलू जो है कच्चे रह जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैं डालती हूँ थोड़ा पानी ताकि थोड़ा सा ये आलू गले भी और ये जले भी ना, ठीक है। अब बाकी मसालों की तरफ भी चलते हैं। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ पानी, तकरीबन आपने एक कप पानी डाल देना है, ठीक है। नमक मैं पहले इसमें डालती हूँ थोड़ा सा, फिर इसलिए कि बाद में नमक हम मिक्स करके डालेंगे, थोड़ा सा इसमें मैं डाल देती हूँ। अब इसको करते हैं हम कवर। अच्छा, 2 चाय के चम्मच हमें नमक चाहिए था, ज़ाहिर है आपको पता है राइस के अंदर जो नमक का हम ज़्यादा क्वांटिटी डालते हैं, ज़ाहिर है वो नमक ज़रा ज़्यादा चावल में डलता है, तो इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने वहाँ डाल दिया है, बाकी 1 चाय का चम्मच नमक, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर के, और 1 खाने का चम्मच हल्दी का, ठीक है। ज़रा हल्दी इसमें ज़्यादा डलती है, येलो कलर की होती है, और ये भुना हुआ ज़ीरा, एक्स्ट्रा भुना हुआ, एक तो हमने गरम मसाले में डाला, ये एक्स्ट्रा भुना हुआ ज़ीरा, इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है, आप चाहें तो बाद में भी इसको डाल सकते हैं, ठीक है। और 2 अदद टमाटर भी जाएंगे, तो यहाँ पर मैं इसको, अभी आलू थोड़े से गल रहे हैं, टमाटरों को कट कर लेते हैं, और ये मसाला और हरी मिर्चें, हरी मिर्चें भी 4 से 6 आप डाल दीजिएगा इसके अंदर। ये देखें, ये मोटी मोटी मैंने कट कर ली हरी मिर्चों को, ये भी हम डाल देंगे। चले जी, इसके अंदर हरी मिर्चें, ये हो गया, और टमाटर। अच्छा अच्छा, बोले जल्दी करें। अच्छा, मैं आपसे ही कह रही थी कलेजी खानी चाहिए, इन्हें कुछ लोग कहते हैं कलेजी खानी चाहिए नुकसान करती है, कुछ कहते हैं खानी चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तो कलेजी तो खानी चाहिए ना, आपको पता है जिनके जो ब्लड, जिनके अंदर ब्लड की कमी होती है उनके लिए बड़ी अच्छी है, और वैसे भी ये कलेजी फायदेमंद है, क्यों नहीं खाते। मुझे आपसे सवाल और भी करना था, मुझे सूप और यखनी की रेसिपी लाइव बता दें प्लीज, मुझे बनाना था। हरी मिर्चें, इसके बाद ये मसाला, साथ में टमाटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैं करती हूँ कवर, जब तक टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जब तक ये टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगे, आलू भी गल जाएंगे, ऐसा गल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे राइस, ठीक है, जिसको मैंने सोक करके रखा हुआ है। ये राइस चले जाएंगे, पानी आपने निकाल लेना है, पहले आप ये डालिएगा। सारा आपने पानी निकाल के आप इस तरह से डालें, और गरम पानी मैंने रख दिया है साइड पे, हम फिर गरम पानी इसमें डालेंगे, ठीक है। ये मैं इसका पानी, अब इसका जो कलर है ना, ये बहुत मज़े के मसाले वाले चावल लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और जिस तरह से रायता साथ में बना लें आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब इसमें डाल रही हूँ पानी, थोड़ा सा गर्म पानी मैंने ले लिया था, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। अच्छा, ये सेला चावल है तो इसमें मुझे, वरना अगर ये बासमती राइस होते तो मैं जितना ये आपको नज़र आ रहे ना इतने ही डालने पड़ते, लेकिन ये सेला है तो थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा डलेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आधा कप के इतना पानी और इसमें गर्म करके डाल देती हूँ, गर्म ज़्यादा बेहतर रहेगा।